नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में हम हमेशा से नए परिवर्तन और सुधार करते रहे हैं। सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से अपने विषय के डाउट क्लियर करने का अवसर प्राप्त होगा। अब तक आपको हमारे मोबाइल कोर्स में 240 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 12 ऑनलाइन किताबें तथा प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चंस मिल रहे थे। 15 मई 2020 से आपको इस कोर्स में प्रतिदिन एक नया वीडियो मिलेगा। यह नया वीडियो मोबाइल कोर्स परचेस करने वाले छात्रों के डाउट्स पर आधारित होगा। यदि आपने हमारा मोबाइल कोर्स परचेस किया हुआ है या आगे करने वाले हैं तो हम आपके प्रत्येक डाउट को अब यहां पर क्लियर करने वाले हैं। हम यह मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह नई पहल वीडियो देखने की प्रणाली में एक नया परिवर्तन लाएगी और वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। जैसा कि आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कंपटीशन कमेटी के द्वारा मोबाइल कोर्स प्रारंभ किया गया था, जो छत्तीसगढ़ में CGPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे सभी एस्पिरेंट जो हमारे मोबाइल कोर्स से जुड़े हैं, लगातार इसका लाभ ले रहे हैं और इसी क्रम में उनके द्वारा कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, उनसे विषयवार अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आज का जो सेशन है पूरी तरह से मोबाइल कोर्स के डाउट क्लियरिंग सेशन पे आधारित है, जिसमें कि आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को डील करेंगे। इसमें कुछ छात्रों के द्वारा जो पूछा गया डाउट है वो ये है कि कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे क्रूज, बैलिस्टिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक या SRBM, MRBM, IRBM, ICBM, ये सब क्या है। ये टर्मिनोलॉजी अक्सर हम रक्षा प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में देखते हैं और जब आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखेंगे तो इनसे संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पे आपको दिखते हैं। तो क्या है, आइए हम इसे वन बाय वन क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रूज और बैलिस्टिक क्या है। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जो है पूरी तरह से आधारित है रक्षा प्रौद्योगिकी मिसाइल वाले पार्ट से। और जब आप मिसाइल के प्रक्षेपण मार्ग को अगर देखते हैं तो प्रक्षेपण मार्ग को अगर आप देखेंगे तो उसके आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रक्षेपण मार्ग माने लॉन्चिंग पाथवे। तो ये पाथवे क्या है, जैसे कि आप देखेंगे पहला बैलिस्टिक, आपने क्लास 10 की किताबों में पढ़ा होगा परवलयाकार पैराबोलिक पाथवे। ठीक है, कि कोई वस्तु को अगर आप 45 डिग्री पर आप भेजते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, सबसे अधिक दूरी वो ट्रेवल करता है। तो इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है आपका बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि मिसाइल की वह तकनीक जो इस पैराबोलिक पाथवे को फॉलो करता है, जिसमें कि वो अपनी मैक्सिमम दूरी को वो ट्रेवल करता है, जिसमें कि एक बार आप लॉन्च कर देते हैं इंजन की मदद से तो वो जब अपने हाइएस्ट बिंदु पहुँचता है उसके बाद वो गुरुत्वाकर्षण बल पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। तो ऐसी तकनीक क्या है, ऐसी तकनीक पर आधारित जो है मिसाइल क्या कहलाती है, बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। तो जैसे कि आपको तीन टारगेट दिए गए हैं, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है। अगर आपको यहाँ पास ज़्यादा दूरी नहीं ट्रेवल करना है तो आप छोटे कम डिग्री पर इसे लॉन्च करेंगे, थोड़ा अधिकतम दूरी है तो आपको फिर एंगल चेंज करना पड़ेगा, और मैक्सिमम दूरी है तो आप इसे 45 डिग्री पर आप लॉन्च करेंगे। ये क्लियर हो गया। तो इसी पे आधारित क्या है, इसी बैलिस्टिक वाले मिसाइल में क्या है, इनके डिस्टेंस के आधार पर हम ये जो टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं ना, SRBM, MRBM और IRBM और ICBM को विभाजित करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करूँगा, वो डिस्टेंस क्या, वो डिस्टेंस है, देखिए अगर SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब आप मान लो करीब 200-300 किलोमीटर से लेके, जैसे किताबों में दिखता है 300 से लेके 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर कोई मिसाइल को आप लॉन्च करते हैं जो बैलिस्टिक नेचर का है, बैलिस्टिक मिसाइल का वह टाइप क्या कहलाता है, SRBM कहलाता है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कम दूरी में आप इसे कम दूरी के लिए लॉन्च करते हैं। ठीक है,
अगर आप मीडियम दूरी के लिए लॉन्च करते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को जब आप लॉन्च करेंगे तो इसका डिस्टेंस होगा 1000 से लेके करीब करीब कह सकते हैं 3500 किलोमीटर, ठीक है। कुछ किताबों में 3000 किलोमीटर भी दिखेगा आपको, बट आपको घबराना नहीं है, लगभग यही रेंज होता है। अगर कोई मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अगर होता है तो इसका जो डिस्टेंस होता है वह होता है आपका 3500 से लेकर आप 5500 किलोमीटर। इतनी दूरी के लिए क्या होता है आपका IRBM बैलिस्टिक मिसाइल होता है। IRBM को कई जगह LRBM भी लिखा होगा, उसका अर्थ ये होता है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्लियर हो गया। अगर हम ICBM की बात करेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, यानी दो महाद्वीप के बीच की दूरी जो ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है ICBM नेचर का होगा, ठीक है। तो ये क्या है 5500 किलोमीटर की ऊपर या उतना हो तो ये क्या है ICBM तकनीक वाली बैलिस्टिक मिसाइल होगी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है जो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च किया जाता है ये इनकी दूरी के आधार पर या आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर टारगेट कहाँ पे उसके आधार पर हम ये मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब जैसे बात कर रहे हैं कि आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है जो एक पैराबोलिक पाथवे को कवर करते हुए वो टारगेट को हिट करती है जिसमें कि दूरी अलग अलग हो सकती है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ पे, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये रॉकेट इंजन तकनीक पर आधारित है। यानी कि रॉकेट इंजन क्या होता है, रॉकेट इंजन वो किसी ऑक्सीजन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता, यानी कि वो एटमॉस्फेयर के बाहर भी ट्रेवल करता है, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर भी वो ट्रेवल करता है। तो जब हम बात करते हैं SRBM और MRBM वाले जो मिसाइल हैं ये क्या करते हैं, ये जनरली वायुमंडल के अंदर ही जनरली वो ट्रेवल करके टारगेट को हिट करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग रेंज या इंटरमीडिएट रेंज या अंतर महाद्वीपीय वाले मिसाइल लॉन्च करते हैं तो कम से कम आपको एटमॉस्फेयर से बाहर जाना ही पड़ता है, यानी वायुमंडल के बाहर जाके उसे लॉन्च करेंगे। तो ये क्या है बैलिस्टिक मिसाइल, वायुमंडल के बाहर जाकर भी वो अपने टारगेट को हिट कर सकती है, जबकि क्रूज मिसाइल में आप हम देखेंगे कि वो वायुमंडल के अंदर ही वो ट्रेवल करेगा शुरू से लेके लॉन्चिंग से लेके वो अपने टारगेट को हिट करने तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो ये क्या है बैलिस्टिक मिसाइल, जेट इंजन ना होके रॉकेट इंजन तकनीक पर आधारित है जिसमें कि वो एटमॉस्फेयर के बाहर भी जाकर अपने टारगेट को हिट करने के लिए अपनी जर्नी करती है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित क्या है कि इनके रेंज के आधार पर हम देखते हैं तो जैसे अग्नि सीरीज वाले जो मिसाइल हैं या पृथ्वी सीरीज वाले जैसे हैं, तो जैसे कि आप छोटे रेंज वाले पृथ्वी सीरीज वाले है ना, आप आ जाएंगे आपकी SRBM में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वाले में पृथ्वी 1-2 वगैरह, ठीक है। और जब आप अग्नि सीरीज वाले में आते हैं तो अग्नि सीरीज वाले में आप देखेंगे जैसे अग्नि 3 का रेंज जो देखेंगे वो 3000 से ऊपर होता है, अग्नि 4 का 4000 से ऊपर होता है, और अग्नि 5 जो देखते हैं वो जो है 5000 से ऊपर होता है या 5000 के आसपास होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो अग्नि सीरीज वाले मिसाइल और जो पृथ्वी सीरीज वाले मिसाइल जो है ये बैलिस्टिक नेचर वाले मिसाइल होते हैं। तो बैलिस्टिक का संबंध किससे हो गया, इन शब्दों से हो गया, क्लियर हो गया। अब बचा क्या है क्रूज मिसाइल, तो क्रूज मिसाइल का संबंध हम देखेंगे इन टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल क्या है हम देखते हैं, क्रूज मिसाइल क्या है, वायुमंडल के अंदर जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के समानांतर ही पृथ्वी के पैरेलल ही वो अपना डिस्टेंस या अपना जो पाथवे है वो लेगा ट्रेवल करेगा। तो पृथ्वी के समानांतर मिसाइल की ऐसी तकनीक जो पृथ्वी के समानांतर अपना मार्ग तय करती है और लॉन्चिंग के बाद प्रक्षेपण के बाद अपने लक्ष्य को वो हिट करती है, ऐसी तकनीक पर आधारित मिसाइल क्या कहलाते हैं, क्रूज मिसाइल कहलाते हैं। क्रूज मिसाइल में अगर आप देखेंगे तो ये तकनीक क्या है, इसमें क्या होता है कि आपको टारगेट जो है एक जगह मिला और यहाँ से आप लॉन्च कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता है कि ज़्यादा हाइट पे नहीं होते, ये थोड़े पृथ्वी के पैरेलल बोल रहा हूँ तो कम हाइट वाले में होंगे
और कम हाइट पे होने के कारण जब दुश्मन देश का जो राडार होता है वो राडार के पकड़ में नहीं आ पाता, यानी कि कह सकते हैं कि ये कम दूरी में चलते हैं, जबकि हमने इसमें देखा था कि ज़्यादा दूरी ट्रेवल करता है और ये कम दूरी ट्रेवल करता है। तो जब भी कम दूरी वाले मिसाइल हमको लॉन्च करना है तो हम क्रूज़ मिसाइल लॉन्च करते हैं, और ये क्रूज़ मिसाइल जो है राडार के पकड़ में नहीं आते क्योंकि कम दूरी या कम हाइट पे ये उड़ते हैं। ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये जेट इंजन तकनीक पर आधारित होता है, यानी कि यहाँ पे इसको ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि एटमॉस्फियर या वायुमंडल के अंदर ही ये अपनी जर्नी तय करेगा। अब जो है तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये वायुमंडल के बाहर नहीं जा सकता, वायुमंडल के बाहर क्रूज मिसाइल को हम लॉन्च नहीं कर सकते, ठीक है। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट जो इससे संबंधित है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्रूज मिसाइल जो है कन्वेंशनल वॉरहेड यानी कि पारंपरिक हथियार ले जाने के लिए बनाया गया था, और ये बैलिस्टिक मिसाइल किसके लिए बनाया गया था, मूलतः ये जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु विस्फोटक है, उनको लॉन्च करने के लिए इसे बनाया गया था। तो जब भी हम पारंपरिक रूप से किसी विस्फोटक को हम भेजते हैं जो परमाणु वाले विस्फोटक नहीं होते, तो ये जो पारंपरिक विस्फोटक है कन्वेंशनल वॉरहेड है, इसे हम क्रूज मिसाइल की मदद से भेजते हैं, और जबकि हम जब न्यूक्लियर वॉरहेड भेजते हैं तो वो बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से भेजते हैं। ये क्लियर हो गया। एक और महत्वपूर्ण पार्ट कि जब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे मिसाइल का नाम उल्लेख होगा, तो जैसे कि आप क्रूज मिसाइल में देखते हैं वो महत्वपूर्ण मिसाइल कौन सा है जो भारत के पास है और आज भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, वो है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस 1 जो बना या ब्रह्मोस 2 जो डेवलप किया जा चुका है, जो अपने टेस्टिंग वाले जो एक्सपेरिमेंट है वो सब चीज़ को पार कर चुका है, तो ब्रह्मोस सीरीज़ वाले जो मिसाइल हैं वो क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी गति के आधार पर कितना स्पीड होगा इसके आधार पे हम इसे सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक रूप में विभाजित करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है, ये तीनों टर्मिनोलॉजी क्या है, देखते हैं। जैसा कि आप बैलिस्टिक में देखे थे उनके डिस्टेंस के आधार पर, तो यहाँ पे उनकी स्पीड के आधार पर, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा मैक, ठीक है, या MACH कहते हैं इसे, मैक। तो मैक क्या है, मैक क्या है, आपको ध्वनि की स्पीड पता है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में एक नॉर्मल कंडीशन में, वो क्या होती है, अगर आप ध्वनि की गति देखते हैं, ध्वनि की का जो स्पीड देखते हैं वो क्या होता है आपका 343.2 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और अगर इसे किलोमीटर में आप कन्वर्ट करते हैं तो 1236 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, ये समझ गए ध्वनि की स्पीड। तो अगर हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड करते हैं, यानी कि वस्तु की गति को डिवाइड करेंगे ध्वनि की गति से, तो जो संख्या मिलती है वो क्या कहलाती है, मैक कहलाती है, यानी एक जो है एक गति मापक पैरामीटर है मैक, ठीक है, आप समझ गए। मैक का अर्थ क्या है, वस्तु की गति को अगर ध्वनि की गति से हम डिवाइड करते हैं तो हमको एक मैक मिलता है, ठीक है। तो ये मैक आप समझ गए होंगे। जब भी हम सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं तो यदि ध्वनि की स्पीड से कम हो, ध्वनि की गति से कम, तो क्या होगा, एक मैक से कम यानी कि 0.8 मैक, तो ऐसा मिसाइल क्या कहलाएगा, सबसोनिक मिसाइल कहलाएगा। और जब ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा हो, ध्वनि की गति से ज़्यादा हो, उस केस में जो मिसाइल होगा वो 2-3 मैक के बीच में यदि हो वो गति, तो वो कहलाएगा आपका सुपरसोनिक। ये क्या है, सबसोनिक, ये क्या होगा, सुपरसोनिक, ये समझ गए। इसके बाद थर्ड होता है हाइपरसोनिक, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना, ठीक है, ध्वनि की गति से 5 गुना हो यदि, यानी 5 मैक से ऊपर हो, तो ये क्या है, 5 मैक से ऊपर हो, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक वाला मिसाइल है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, जब भी आप इसमें देखते हैं
तो जो आप हाइपरसोनिक वाली टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, जबकि सुपरसोनिक मिसाइल क्या है, ब्रह्मोस 1, ठीक है। और इसके बाद अगर आप सब सोनिक देखते हैं, कम दूरी वाले में देखते हैं, तो आप देखेंगे निर्भय मिसाइल के बारे में आप जानते होंगे, वो एक सब सोनिक मिसाइल है, ठीक है। तो इनकी स्पीड आप समझ गए, हम मैक पे निर्धारित करते हैं, मैक बराबर क्या है, वस्तु की गति अपॉन ध्वनि की गति इक्वल टू मैक, ठीक है। तो यदि हम ऐसे मिसाइल जो ध्वनि की गति से यानी 1 मैक से कम हो तो वो सबसोनिक, 1 मैक से ज़्यादा हो यानी 2 से 3 मैक के बीच में हो तो वो क्या है, आपका सुपरसोनिक, और जो 5 मैक से ऊपर हो वो क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका एग्जांपल ब्रह्मोस 2, सुपरसोनिक का एग्जांपल क्या है ब्रह्मोस 1, और सबसोनिक का एग्जांपल क्या है निर्भय। ये क्लियर हो गया। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में एक और महत्वपूर्ण जो अंतर है, और दोनों को ये एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, वो क्या है कि जो क्रूज मिसाइल होता है, एक बार लॉन्च करने के बाद आप उसकी दिशा को बदल भी सकते हैं। यानी कि आप ऐसा लगता है कि टारगेट किसी एक जगह पे है और लॉन्च कर चुके हैं और वो टारगेट का स्थान बदल गया है, तो आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण तकनीक आजकल यूज़ हो रही है, वो है GPS तकनीक। तो आप GPS के आधार पर उसमें वो तकनीक फिट कर सकते हैं, और वो जो दागो और भूल जाओ वाला तकनीक हम पढ़ते हैं ना, है ना, कि लॉन्च एंड फॉरगेट, तो एक बार दागो और वो ढूंढ के ही टारगेट को हिट करेगा, तो वो GPS के कारण ही संभव हो पाता है। बैलिस्टिक में वाले टेक्नोलॉजी में ऐसा संभव नहीं हो पाता, जब तक उसका ईंधन है तब तक हम देखते हैं कि वो उसे हम थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ जाता है तो उसे हम अब उसकी दिशा को नहीं बदल सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर भी है जिसे आपको नोट करना है, ठीक है। तो दागो और भूल जाओ वाली तकनीक आप समझ गए GPS के कारण संभव होता है। तो अब मेरे ख्याल से ये सभी शब्दावली आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि ICBM टेक्नोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है। ICBM टेक्नोलॉजी इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, अपने दुश्मन देश जैसे कि भारत के जो मुख्यतः जो दो महत्वपूर्ण देश जो है दुश्मन के रूप में हम देखते हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा क्या है चाइना, तो दोनों क्या है हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर ही है। तो एटलीस्ट ICBM वाला जो टेक्नोलॉजी है या ICBM वाले जो मिसाइल हैं, ये मिसाइल एटलीस्ट इन दोनों के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन चाइना किस महत्वपूर्ण मिसाइल से डरता है भारत से, उसका किसका, कौन से भारत का ऐसा मिसाइल है या भारत का ऐसा कौन सा मिसाइल है जिसका उत्तर चीन के पास नहीं है, वो क्या है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बारे में पता होगा, जो रूस और भारत के संयुक्त प्रयासों के द्वारा बना था, जो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी पर आधारित ब्रह्मोस बना था, यानी दो महत्वपूर्ण देशों की तकनीक पर आधारित एक महत्वपूर्ण तीसरी तरह की तकनीक। तो इसी कारण जो है चीन के पास ब्रह्मोस का जो है एक सटीक उत्तर नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और मोबाइल कोर्स में और भी आपके बहुत सारे अगर डाउट्स बन रहे होंगे तो आप निश्चित तौर पर उसे पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।